ठीक है जी। सो नाउ आपको ये थर्ड सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दो सेशंस रिकॉर्ड हो चुके हैं। होप विजिबल है। जो ऑनलाइन जो लोग हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी सर, आ रही आवाज आपकी सर। अच्छा तो ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दी लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने इससे पहले जो चीजें डिस्कस की, आई होप उसमें किसी को कोई डाउट या कोई सवाल जवाब नहीं है। एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दोज थिंग्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको जो भी इस वक्त काम देना है नेक्स्ट क्लास के लिए, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक जो मैंने शायद क्लास के सेकंड पार्ट में भी बताया था आपको कि एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज टू सेलेक्ट अ टॉपिक, ठीक है इरफान गुल? और वो टॉपिक जो है आपका उस डोमेन के अंदर से होना चाहिए जिसमें से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज स्टडीड एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, इन सम केसेस 8 सब्जेक्ट्स। एंड बाय दो सब्जेक्ट्स आई मीन यू हैव कवर्ड एरिया ब्रेथ, आपने मुख्तलिफ एरियाज में से चीजें कवर की हैं। एंड आउट ऑफ दोज एरियाज नाउ वी वुड बी इंटरेस्टेड कि किसी एक एरिया को सिलेक्ट करके आप डेप्थ में उस एरिया के अंदर ट्रेवल करें, एंड दैट वुड बी योर रिसर्च डोमेन एंड योर थीसिस टाइटल। चाहे आप थीसिस के स्टूडेंट हैं या चाहे आप थीसिस नहीं करना चाहते, दोनों केसेस में जो आपका टारगेट है वो ये होगा कि आप में से हर एक ने एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो लिखना है, रिसर्च प्रपोजल लिखना है। सो रिसर्च प्रपोजल लिखने का मतलब ये है कि इट शुड बी फॉलोइंग सम टेम्पलेट। दैट टेम्पलेट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू योर सीआर टू बी शेयर्ड विद यू। टेम्पलेट एज वेल एज सम ऑफ द गोल्ड सैंपल्स। इट मींस बाय सेइंग गोल्ड सैंपल मींस द सैंपल्स व्हिच हैव बीन अप्रूव्ड बाय सम ऑफ द कमेटी और वेरियस बॉडीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन बिटवीन। योर ग्रेड वुड बी बेस्ड ऑन सेम रिसर्च प्रपोजल रिटन एंड प्रेजेंटेड इन क्लास। देर वुड बी एटलीस्ट टू प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मल, टू फॉर्मल प्रेजेंटेशन। देर वुड बी मेनी प्रेजेंटेशन बट फॉर्मली दो प्रेजेंटेशन ग्रेड होंगी आपकी, एक मिड टर्म से पहले और एक मिड टर्म के बाद। ठीक है, अमजद इज नॉट हेयर सो आई कैन टॉक इन उर्दू एज वेल। तो दोज टू परसेंटेजेस और दोज टू प्रेजेंटेशन वुड बी हैविंग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ योर ग्रेडिंग। सो द पेपर विल नॉट कैरी दैट मच मार्क्स। पेपर विल कैरी सम मार्क्स, योर मिड टर्म एंड एंड टर्म, बट नॉट दैट मच। मैक्सिमम वेटेज वुड बी गिवन टू योर प्रेजेंटेशन विच यू गिव हेयर इन क्लास, वन बिफोर मिड टर्म एग्जाम, वन बिफोर एंड टर्म एग्जाम। द क्वेश्चन विच विल अपियर इन द एग्जाम वुड बी सेम विच वी स्टडी इन द क्लास, विच वी डिस्कस इन द क्लास, विच यू डू योर सेल्फ। इट वुड बी फ्रॉम योर ओन टॉपिक, फ्रॉम योर ओन डोमेन, फ्रॉम योर ओन रीडिंग एंड स्टडीज। लाइक अ क्वेश्चन जनरली आई आस्क इन द एग्जाम इज गिव मी द टाइटल ऑफ योर रिसर्च, इट कैरीज 5 मार्क्स। गिव मी द नेम ऑफ योर सुपरवाइजर, सो दैट कैरीज सम मार्क्स, राइट? सो यू कैन जस्ट फिगर आउट वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन अपियर। आई कैन आस्क ओके विच वन इज योर बेसलाइन पेपर, बेसलाइन रिसर्च पेपर, गिव मी दी कंप्लीट रेफरेंस, इट कुड बी वन क्वेश्चन। हाउ यू यू नीड टू गिव रेफरेंस इन अ स्टैंडर्ड स्टाइल, दिस कुड बी अनदर क्वेश्चन। गिव मी अ ब्रीफ प्रीमाइस ऑफ द टॉपिक विच यू इंटेंड डूइंग, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, कुड बी वन क्वेश्चन, राइट? सो इस तरह के सवाल जवाब जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये सवाल जवाब आप अपनी प्रेजेंटेशन में देंगे, तो जो प्रेजेंटेशन है इट विल कवर एवरीथिंग इनफैक्ट, राइट? सो प्रेजेंटेशन शुड बी मोर फोकस्ड ऑन एंड प्रेजेंटेशन विल बी गिवन बेटर इफ यू विजिट क्लास रेगुलरली। आई नो यू बाय योर फेसेस एंड बाय योर नेम्स बिकॉज अल्टीमेटली दैट वुड बी इन माई माइंड व्हाइल आई चेक योर योर पेपर्स, योर फॉर्मल मिड टर्म एंड एंटम एग्जाम्स। आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ ही और शी वॉज दैट गाय जिसने क्लास में ऐसा परफॉर्म किया था, एग्जाम में अच्छा नहीं भी किया, ओके वहां पे सवाल जवाब दिए थे तो यू गेट गुड मार्क्स। बट अगर आप मुझे याद नहीं होंगे
तो डेफिनेटली फिर जो लिखा होगा उस पर नंबरिंग होगी, और अगर आपने क्लास में प्रेजेंटेशन ही नहीं दी तो आपने डेफिनेटली लिखा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वही सेम चीज तो आप क्लास में आपने प्रेजेंट करनी थी, तो ऑटोमेटिकली यू विल यू मे नॉट बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स इफ यू आर नॉट विजिबल इन द क्लास, मे इट बी ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और एज वेल एज दी फेस टू फेस पार्टिसिपेंट्स. बट अगेन आई गिव लॉट ऑफ लिवरेजेस, रिलैक्सेशंस, उसमें आप यू विल सी दैट एज वेल. बट अगेन विद अ होप के यू विल इम्प्रूव, यू विल डू गुड वट एवर आई टास्क यू और गिव यू एज एन असाइनमेंट. जी आपका कोई सवाल? योर नेम इज राफिया. हाँ जी 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 मैं अभी उस पर भी आपके सवाल के जवाब भी देता हूँ. ये इस तरह का सवाल एक ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ने भी पूछा था, तो मैं इस पे आपको जवाब देता हूँ कि हमारे पास इनफैक्ट जो थीसिस है उसके कितने पोर्शंस होते हैं और उनको कैसे एवेलुएट किया जाएगा या किया जाता है, और हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसमें जो आप काम करेंगे वो कहाँ फॉल करेगा. विल डू दैट. ठीक है, अभी हम उसी का जवाब देते हैं, जो मतलब थोड़ा बहुत टाइम है अभी, हाफ एन आवर और सो विल स्पेंड ऑन दैट. राइट, मैंने भी आपकी टास्किंग जो आपको दी है वो क्या दी है, कि एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज टू कम अप विद अ ब्रॉड एरिया टॉपिक एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम रिसर्च पेपर्स इन दैट डोमेन यूजिंग योर ओन स्किल्स जो अब तक आपके हैं. आई डोंट नो कि वो क्या है. आप ऑनलाइन जाते हैं, आप लाइब्रेरीज जाते हैं, आप HEC डिजिटल लाइब्रेरी जाते हैं, आप दोस्तों से मशवरा करते हैं, किसी सुपरवाइजर से बात करते हैं. आई लीव इट टू यू. आई विल अप्लाई करेक्शंस वंस यू प्रेजेंट योर वर्क इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में आई विल इनवाइट एवरीबडी, कम हेयर एंड टेल मी व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट विच यू इंटेंड डूइंग एज अ टॉपिक टुवर्ड्स योर थीसिस. टॉपिक ओनली टाइटल. एज वेल एज आई विल आस्क यू के शो मी रिसर्च पेपर्स विच यू हैव figured out or you have found from your resources. Show me that. And in that process, we will try to finalize one research paper, which is in fact the baseline research paper for your research. ये हमने इस हफ्ते में करना है. Right? So I expect everybody out of you to write on a piece of paper or make a presentation. That presentation should be only one slide. Only mention the title of your research. अंडरनीथ आपने अपना नाम लिखना है और अपने पोटेंशियल सुपरवाइजर का नाम रखना है. इस हफ्ते में ये काम भी करें, ढूंढें, सोचें, मिलें कि कौन आपके काम को सपोर्ट कर सकता है फ्रॉम दी अवेलेबल टीचर्स फ्रॉम वेयर यू हैव स्टडीड दोज कोर्सेज. 6-8 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं उनमें आपके 3-4 लोगों से आपने इंटरेक्ट किया है, तो आप देखें किन से आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी मैच करती है या नहीं करती है. तो वो आप सुपरवाइजर भी फाइनलाइज करें, टॉपिक भी फाइनलाइज करें, एंड एटलीस्ट ब्रिंग फ्यू रिसर्च पेपर्स इन फॉर्म, इन सॉफ्ट फॉर्म विच यू कैन डिस्प्ले हेयर एंड वी विल, और इन प्रिंटेड फॉर्म में भी ला सकते हैं, एंड वी कैन फाइनलाइज विच वन सूट्स टू बिकम योर विच पेपर, बेस लाइन पेपर. बेस लाइन पेपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जिनको कुछ नहीं पता हमने क्या करना है. तो वॉट दे विल गेट गाइडेंस फ्रॉम बेस लाइन पेपर, क्या यही करना है जो उसने किया हुआ. बिकॉज दिस स्टेज एट MS लेवल यू स्टार्ट टू लर्न रिसर्च, डूइंग रिसर्च. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग इज इफ यू डू इट बाय डूइंग व्हाट अदर्स हैव डन, इफ यू कैन जस्ट रिप्रोड्यूस दोज रिजल्ट्स व्हिच समबडी एल्स हैज डन, इन दैट प्रोसेस यू विल लर्न मेनी थिंग्स. राइट, एंड यू योरसेल्फ विल टेल मी लेटर ऑन कि यस आई हैव लर्न्ड लॉट ऑफ थिंग्स सिर्फ ये करने पे. ऑल दो उसमें चीजें ऐड होगी, फिर एक दफा शुरू करें ना, पहले एक होता है ना कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले ना, कोई जंप करने के लिए मुझे फट्टा तो मिले जिसमें मैं नीचे स्विमिंग पूल में जंप करूं. क्या ख्याल है? तो वो जो कॉर्नर है वो ये कॉर्नर है, वो जो फट्टा है वो ये फट्टा है कि एक रिसर्च पेपर पहले फिगर आउट कर लें. कुछ लोग बड़े क्लियर होंगे आप में से कि जी मैंने ये रिसर्च करनी है, मेरे ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने इन चीजों को अचीव करके अपने काम को कम्प्लीट करना. ठीक है, मे बी साजिद इज वेरी क्लियर बिकॉज ही इज डूइंग PhD एज वेल, तो मे बी उसका एक्सपीरियंस या उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर है. कुछ लोगों की कम होगी, कुछ की ज्यादा होगी. जिनकी सबसे कम है उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ कि दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट वन रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन हिज हर एक्सपर्टीज एंड वट एवर यू अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग इट इन द क्लास एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. आई डू नॉट, आई लीव इट टू यू, आई लीव इट टू यू एट द मोमेंट एंड आई विल अप्लाई द करेक्शंस कि आपने जो किया वो क्या गलतियां की. बिकॉज इट्स माई बिलीफ के जब आप गलती कर देते हैं ना, पहले गलती करें आप,
जब गलती कर दें और कोई उसको ठीक करे तो फिर आपको सारी उम्र वो चीज़ याद रहती है। अगर गलती नहीं करेंगे और मैं आपको पहले ही करेक्ट कर दूंगा तो फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस का आपको अंदाजा नहीं होगा। तो लेट अस डू इट बाय डूइंग, यू डू इट, डू मिस्टेक्स एंड वी विल करेक्ट इट। सो जो आपको समझ आती है करें। अभी टारगेट क्या है कि जी आपने एक काम ढूंढना है जो कि आपके इंटरेस्ट का हो, उस पर कोई रिसर्च पेपर लोग किसी ने लिखा हुआ हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की भी हो। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रिसर्च जो एमएस थीसिस है, रिसर्च पेपर तो बेताशा आपको मिलेंगे। जब आप यू विल स्टार्ट सर्चिंग देर वुड बी थाउजेंड मिलियंस बिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स, बट एवरी रिसर्च पेपर इज नॉट अ थीसिस टॉपिक, रिमेंबर दिस। ऑनलाइन जी आवाज आ रही है सबको? इश्यूज आ रहे हैं क्या? यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, वो कुछ लोगों का अपना कनेक्शन वीक होगा, क्योंकि अगर किसी एक को भी आवाज आ रही है इट मीन्स आई एम फाइन। सही है। जो अभी 10 लोग ऑनलाइन नजर आ रहे हैं मुझे, एक तो स्ट्रेंथ कम हो गई है पहले स्टार्ट पे आ रही ज्यादा है आवाज लाउड एंड क्लियर सर। लाउड एंड क्लियर है। सो इट मींस ये कि जिनको इश्यूज आ रहे हैं ना, दे शुड इम्प्रूव देयर ओन इंटरनेट कनेक्शन, उनका अपना कनेक्शन का प्रॉब्लम है। कुछ भी हो सकती है, तो वो आप देखें अपना एरिया ठीक करें, अपना कनेक्शन ठीक करें। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो मोबाइल फोन पे डेफिनेटली ये जो 3G कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं होता, आपको शायद LTE पे जाना पड़ेगा। उस पर्सपेक्टिव से देखें या कोई अच्छा कनेक्शन लें, अच्छा पैकेज लें। जी मैं वो कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। तो मैं सिर्फ अभी आपसे ये बता रहा हूँ कि जी ऑनलाइन जो भी लोग हैं उनको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो ये उनके लिए भी मैसेज है कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है सबसे पहले, तो उसके लिए मैं आपको ये जो आगे नेक्स्ट गाइडलाइन दे रहा था कि टॉपिक रिसर्च पेपर से ओरिएंट होगा, उससे ओरिजिनेट होगा। क्योंकि फॉर्मल रिसर्च, जो क्लास में नहीं था शुरू, हमने बड़ी डिटेल बात की कि फॉर्मल रिसर्च है, फॉर्मल रिसर्च इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय पब्लिश रिसर्च पेपर्स। सो वट एवर यू टॉक, वट एवर यू डिसाइड, वट एवर यू राइट, वट एवर यू रीड, इट शुड बी फ्रॉम सम पब्लिश स्टफ। अब वो पब्लिश स्टफ की कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आएगा, फॉरन शायद समझ नहीं आए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अब आपने जो रिसर्च पेपर्स चुनने हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स दुनिया में लोग लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छी सोर्सेज पे हैं, कुछ बुरी सोर्सेज पे हैं, कुछ ऐसे ही हैं कि जी मैंने इधर ही कुछ पेपर लिखा और अपलोड कर दिया और उसको आपने डाउनलोड कर लिया और शायद उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आप देख रहे हैं। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, वी हैव टाइम। कि देर आर प्लेसेज वेर यू कैन जनरेट अ रिसर्च पेपर विदाउट डूइंग एनीथिंग, एंड दोज रिसर्च पेपर्स आर एक्सेप्टेड इन सम ऑफ दी कॉन्फ्रेंसेज एंड हैव बीन पब्लिश्ड। लाइक MIT का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, मैं आपको उधर से लेके चलता हूँ, लिंक करता हूँ उसको। MIT रिसर्च पेपर जनरेटर, ठीक है जी, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया बैक इन आज से कोई 4-5 साल पहले। आई होप दिस इज विजिबल, ऑनलाइन विजिबल है जी ये सबको? नहीं सर, नहीं विजिबल। नो अच्छा, मैं सर, आपको शेयर करता हूँ। नहीं सर, विजिबल नहीं है, प्लीज। चलें जी, अभी शेयर हो जाता है आपको। अच्छा, ये मैं इस पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको ऑनलाइन मिलेंगे जो कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपको थोड़ा सिलेक्टिव होके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लाइक एक मैं आपको एक सोर्स बता रहा हूँ कि पीपल मे जनरेट, अब ये इसमें यू जस्ट गिव ऑथर्स नेम इट विल जनरेट अ रिसर्च पेपर। दिस सोर्स इज, सिर्फ आपने यहाँ नाम लिखने तो ये आपके पेपर जनरेट कर देता है। ऑल्दो अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन मैं इसका जो इन्होंने पेपर कुछ आज से इवन 1 साल पहले तक ये पेपर जनरेट कर देता था। अब इन्होंने शायद, लोगों ने, बहुत ही पाकिस्तानियों को पता चल गया होगा, उन्होंने फिर बहुत ज्यादा पेपर से थ्रू लिखने कुछ जनरेट करने शुरू कर दिए, उन्होंने इसलिए इसको बंद कर दिया। बट मैं आपको यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं, कौन पेपर जनरेट लिखना चाहता है मिलके जी, शायद जनरेट हो जाए। मियाँ शायद, ओके जी, और हु इज सेकंड ऑथर? इकबाल, पूरा नाम क्या है? जी जी आप बड़ा क्वेश्चन करें। अकेले अकेले भी लिख सकते हैं,
लिख सकते मैं जरा वैसे ही तीन ऑथर ज्यादा लिख रहा हूँ। हाँ जी एनीबडी एल्स? सुहेल शाहिद और कलीमुल्ला। अच्छा जी फिफ्थ ऑथर। इट मे जनरेट इट मे नॉट जनरेट। अभी तक तो लास्ट टाइम मैंने चेक किया था ये बंद था, बट ट्राई कर लेते दोबारा। चलो ओके जी। बट दीज नेम्स आर रिक्वायर्ड ओनली एंड इफ आई प्रेस जनरेट। अगर ये सिस्टम अभी तक एक्टिव है तो इट विल जनरेट अ रिसर्च पेपर। ये उठा लिया है बट इट इज लेट्स सी व्हाट इज इट डजंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इट मींस के वी कैन गो बैक। और हम अब चलें, इसका मतलब ये है कि ये अभी एक्टिव नहीं है। अब हम करते क्या है कि एक पेपर इनका दो पेपर थे जो कि इससे कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हुए थे। मैं उस पेपर को खोल लेता हूँ एंड आई शो यू। नाउ दिस इज द पेपर। ये पेपर हैज बीन जनरेटेड यूजिंग दिस टूल ठीक है विथ थ्री ऑथर्स। ये कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो गया ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसका टाइटल पढ़े, ये सीएस की डोमेन का है क्योंकि सीएस के लोग हैं ये जिन्होंने इस रिसर्च इंजन को बनाया है। मे बी इसमें और इम्प्रूवमेंट करके किसी भी डोमेन का रिसर्च पेपर बनाया जा सकता है। सिर्फ इसको जरा गो थ्रू करें, टाइटल देखें इसका, एब्स्ट्रैक्ट देखें। एब्स्ट्रैक्ट में देखें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, कुछ आपको शायद समझ आ रही हैं। ऑनलाइन जी नजर आ रहा है आपको? यस वो वेटिंग एरिया। सर नजर आ रहा है। सर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। सो दिस इज द पेपर व्हिच हैज बीन जनरेटेड बाय आवर रिसर्च प्रोजेक्ट बाय एमआईटी स्टूडेंट्स ठीक है। एंड इट दिस पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड एट अ कॉन्फ्रेंस एंड ऑफ कोर्स इफ इट इज एक्सेप्टेड देन इट मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड। ऑल्दो उन्होंने बाद में इसको रिट्रैक्ट कर लिया, बट अगर सब कुछ हो गया तो पब्लिश होके ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन आपको नजर भी आएगा और आप जाके उसको डाउनलोड करेंगे इसी कोर से। इससे आप कह सकते हैं जी मेरा पेपर है, मैं मेरी इरे से रिलेट कर रहा है समथिंग, कोई बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप एक दफा पहले देख लेते हैं, देखिए इसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट नजर आएगा, इंट्रोडक्शन, जो एक पेपर की फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी इसके अंदर आपको नजर आएंगी ठीक है। अगर इधर देखते रहे आप तो इंट्रोडक्शन सेक्शन है, आर्किटेक्चर पेपर का मतलब उसका जो मेथडोलॉजी है उसके बारे में बात हुई हुई है, इम्प्लीमेंटेशन की डिस्कशंस हैं, ग्राफ्स टेबल्स हैं ठीक है। इसके बारे में बात हुई हुई है, रेफरेंसेस भी इसके अंदर भी डिस्कस हुए हुए हैं, और उसके बाद अगर हम एंड पे पहुंचेंगे तो कंक्लूजन के बाद आपको रेफरेंसेस भी नजर आएंगे ठीक है। नाउ दिस इज इनफैक्ट, और अब इससे भी एडवांस लेवल पे अब तो चीजें, ये तो अभी थोड़ा सा पुराना है। अभी अगर आप कहें चैट जीपीटी को कहें तो वो भी आपके लिए एक जेनेरिक होता है, उसमें रेफरेंसेस गलत होते हैं, चीजें मिली भी होती है। ये भी वही चीज है, अगर आप इनकी सोर्सेज पे जाएंगे ना तो इनमें से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चैट जीपीटी, ये आज से 5 साल पहले। अब चीजें थोड़ी और एडवांस हो गई हैं। मेन पॉइंट ये है कि ऐसी बहुत सारा स्टफ इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है जो कि वैलिड नहीं है या वेरीफाइड नहीं है या वैलिडेटेड नहीं है। सो बी वेरी कॉशियस वंस यू सेलेक्ट अ रिसर्च पेपर। उसके लिए हमने देखना है कि कौन कौन से क्वालिटी क्राइटेरिया है जो कि पेपर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। पेपर्स दो कैटेगरीज के नजर आएंगे आपको, ब्रॉडली इन पे बात करेंगे। एक है कॉन्फ्रेंस पेपर्स, एक है जर्नल पेपर्स। ये दो कैटेगरीज में रिसर्च पेपर्स होंगे ठीक है। तो उनको हमने, आप पहले खुद देखें अभी, अपने अपनी अकल इस्तेमाल करें एंड देन वी विल अप्लाई दी करेक्शन कि क्या गलती क्या कर रहे हैं आप। पॉइंट ये है कि जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आपने उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं से चीजें देखनी है, तो रिसर्च पेपर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और अभी जो टॉपिक सिलेक्शन के परस्पेक्टिव से हम बात कर रहे थे कि जो आपने एरिया सेलेक्ट करना है, हर रिसर्च पेपर चाहे अच्छा भी हो उसमें से थीसिस टाइटल नहीं होता या वो थीसिस का टॉपिक नहीं होता। तो हमने वो रिसर्च पेपर फिगर आउट करने हैं जो कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप मोस्टली जो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं ना लोग कब लिखते हैं, जब वो कोई काम करते हैं। काम कब करते हैं मोस्टली, या तो किसी प्रोजेक्ट में करते हैं या किसी थीसिस में करते हैं। तो एक थीसिस के अंदर से रिसर्च पेपर्स निकलते हैं या एक प्रोजेक्ट के अंदर से रिसर्च पेपर्स निकलते हैं।
तो आप अगर एक जो उसका टाइटल होगा, मोस्टली आपको अब वो टाइटल अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो लगेगा यार कि इस पे कोई थीसिस ही हुआ होगा या कोई प्रोजेक्ट हुआ होगा। मैं जो आपको लिंक करना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ना कि अब आपने जो पेपर सेलेक्ट करने हैं वो ऐसे पेपर सेलेक्ट करने हैं जो कि एक्सपेक्टेडली किसी थीसिस का टाइटल है, ताकि आप भी वही टाइटल को या उस तरह का मिलता जुलता टाइटल जो है वो लेके चल सकें। ये इंजीनियर वादिद मजीद साहब जो है, आपका इंटरनेट का कनेक्शन भाई बहुत वीक है, आप कोई 600 दफ़ा इंटर और एग्जिट हो चुके हैं सिस्टम से। काइंडली अपने सिस्टम को ठीक करें या फिर मैं आपको एक्सक्लूड कर दूंगा इस मीटिंग से। आप जब पेपर खोल के देखेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि रिसर्च पेपर का जो टेम्पलेट होता है वो एक थीसिस के टेम्पलेट जैसा ही होता है। आपको वहां पे मेथडोलॉजी नजर आएगी, आपको वहां पे रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो वहां पे आपको कंपैरिजंस नजर आएंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नजर आएगी, तो वो क्या है, वो थीसिस ही है ना। थीसिस की कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है एक रिसर्च पेपर, इन सिंपलर वर्ड्स। आई विल शो यू अ फॉर्मल हेडिंग्स ऑफ थीसिस एंड आई विल रिलेट इट विद द पेपर एज वेल, बट एट द मोमेंट आप खुद जाके जरा देखें इसको। अभी आप जाके देखें ना जरा, फिर मैं आपको बाद में इस पे करेक्शन लगाऊंगा। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे लिमिट होती है 6 पेजेस, 8 पेजेस। जनरल पेपर्स पे कोई लिमिट नहीं होती, आपको 150 पेज का भी एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा, ऐसा है पॉसिबल। और आपको जनरल पेपर 1 पेज का भी मिलेगा, ऐसे जनरल पेपर्स नहीं है। तो इट वेरीज फ्रॉम, हम उनकी कैटेगरीज पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आपको सिर्फ रिलेट करना चाह रहा हूँ, ज्यादा मैं आपको पुछाड़ नहीं करना चाह रहा चीजों की। एट द मोमेंट ट्राई टू फिगर आउट अ रिसर्च पेपर विच इज सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दिस माई पंच लाइन आप याद रखें। ऐसे रिसर्च पेपर्स ढूंढें, शॉर्टलिस्ट करें जिनके अंदर किसी मसले को हल किया गया हो। सही है, ऐसा ना हो कि आपको लगे यार कि ये कोई हल तो नहीं है, ऐसे ही कोई इंट्रोडक्टरी टाइप काम बताया हुआ है इसमें। सेकेंडली, आपको रिव्यू पेपर्स नजर आएंगे कुछ। रिव्यू पेपर्स की अभी जरूरत आपको नहीं है। रिव्यू पेपर्स आर इनफैक्ट रिटन बाय एरिया एक्सपर्ट्स हु नो मल्टीपल मेथड्स एट अ टाइम एंड देन दे इम्प्लीमेंट ऑन अ सिंगल मशीन टू फिगर आउट विच मेथड और विच मेथड्स आर बेटर इन अ सीक्वेंशियल मैनर। राइट, सो रिव्यू पेपर पढ़ें, जरूर पढ़ें, दे आर गुड आइडिया ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट दैट कैन नॉट बी मेड और सिलेक्टेड एज अ बेसलाइन पेपर। ठीक है, सो एट द मोमेंट मैं आपको जो हिंट दे रहा हूँ सिर्फ कि यू नीड टू फिगर आउट जहां पे यू आर एबल टू सी सम सोल्यूशन इन अ इन अ पेपर। इसके लिए आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपको सोल्यूशन कैसे डिस्क्राइब नजर आएगा, वंस यू सी द सोल्यूशन यू विल फाइंड आउट मेथड ऑफ दैट सोल्यूशन टू बी डिस्क्राइब। अदर देन मेथड इट कैन आल्सो कंटेन कंपैरेटिव रिजल्ट्स, कंपैरेटिव रिजल्ट्स and by saying comparative results I mean that you will find out some existing methods compared with the method described in this paper and for that you will find out some of the benchmarks or performance benchmarks or performance parameters. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. असल में मैं बोर्ड पे भी आ गया हूँ, थोड़ा सा साथ साथ बोर्ड भी चलेगा। लेट मी ट्राई इट आउट हेयर एज वेल, अगर यहाँ पे रिटर्न में कोई चीज अच्छी चल पड़ती है तो। जूम के ऊपर अब क्लियर आ रही है सर आवाज. अब मैं बिल्कुल आपके करीब आ गया हूँ ना, इसलिए आपको ठीक आ रही है। लेकिन लेट मी मैं आप एक मिनट जरा, मैं इधर इधर इसका जो अपना राइटिंग पैड है उस पर ट्राई करता हूँ, इफ इट राइट्स वेल। एनोटेट पे चले जाए, यस annotate annotate annotate. So, अच्छा ये सेशन क्लोज हो तो काइंडली दोबारा ऑनलाइन आ जाइएगा, बट लेट मी वेयर इज
चलिए हम ट्राई करते हैं कि इसी के ऊपर इसको हम बंद करते हैं और इसके ऊपर आपको स्लाइड नजर आ रही है अभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? जी सर नजर आ रही है, स्लाइड आ रही है ना? फिर स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, आई थिंक लैपटॉप की कोई अलग से अच्छा स्लाइड नहीं है, सच नजर आ रही। अच्छा चलिए मैं आपको अभी जो है ना वो ये इसको शेयर करते हैं भी। न्यू शेयर में हम चले जाते हैं और लेट्स ट्राई व्हाइट बोर्ड इसका जो है इसको देखते हैं कि इस पे कुछ चलता है कि नहीं चलता। क्या ये नजर आ रहा है आपको अभी रिसर्च प्रपोजल और ये कुछ ड्राइंग सी जो बनी हुई है? जी जी सर, सर नजर जी आ सर। रहा है। अच्छा जी चले ये मैं इसमें ट्राई करता हूँ कि ये मैंने कभी यूज वैसे नहीं किया लेकिन आई थिंक इट कैन मूव डाउन। नहीं मूव नहीं कर रहा इसमें बार बार रेज करना पड़ेगा या नेक्स्ट पेज आ जाएगा तो शायद आ जाएगा इस जगह से आएगा। ओके ठीक है जी सो लेट्स ट्राई इट आउट क्या कहें इट वर्क्स। चलिए ओके टेक्स्ट पे हम चले जाते हैं हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी सो लेट्स ट्राई इट आउट इफ इट वर्क्स। नहीं चल रहा इसके ऊपर। चलिए काम कर लेते हैं। ये इसके साथ नहीं चल रहा या तो ये हाथ से चल रहा है लेकिन इसके साथ नहीं चल रहा जी। नहीं वो ड्राफ्टिंग टैब तो फायदा नहीं है इनफैक्ट ये उससे ज्यादा एडवांस्ड है लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ जूम के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना चीजें कुछ अभी गड़बड़ कर रही है। लेट अस ट्राई ऑन समथिंग एल्स। इसको स्लाइड पे ट्राई करते हैं दोबारा एक दफा। Charged, I think. There is a good thing. Yes. अच्छा जी ओके आई थिंक कि मैंने ये कहा था कि जी वी नीड टू फाइंड आउट दी पेपर्स विच आर इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा जी आई एम सॉरी तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज आई ठीक एम अनेबल टू राइट एवरीथिंग ऑन दिस स्लाइड। हो जा रही है सर। ये इंजीनियर वाजिद मजीद ने तंग किया हुआ बस आ रहा है जा रहा है आ रहा है जैसे आनिया जानिया खत्म नहीं होती। कौन सी वाली ऑप्शन खत्म कर देंगे? पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही होगा यहाँ पे। ओके चलो अभी ठीक चलिए चले एक इनका मैसेज भी आ रहा। सज्जाद साहब की तारीफ हो रही है जी आप सी बोर्ड मींस। अच्छा टैबलेट अच्छा यूज कर सकते हैं। नहीं इसमें टैबलेट के साथ मैं खुद लिंक नहीं करना चाह रहा। टैबलेट जो है वो
आप, क्योंकि मैंने जूम भी लिंक किया हुआ है ना, तो वो देर आर थिंग्स विच आर डिफिकल्ट टू, मुझे दो दो तीन चीजें चीजें इधर लगानी पड़ेंगी। तो ऑलरेडी सिस्टम ये इनफैक्ट है ही आपका, टच स्क्रीन है तो उसको चलना चाहिए ना इसके साथ, एंड जनरली इट वर्क्स। आई डोंट नो व्हाई इट्स यूज प्रॉब्लमेटिक क्यों है, शायद इसका पेन चार्ज नहीं है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसको हम देख लेंगे, रेगुलर कर लेंगे, वैसे भी आज पहली क्लास है। चलें जी, ओके, मैं दोबारा लिंक करता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा है कि व्हाट वी नीड टू हैव, कि कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो आप काइंडली ये आपके जो क्लासमेट्स हैं ना, वो आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे पिक्चर उसकी, ठीक है? तो हम बात ये कर रहे हैं कि जी, जो हमने रिसर्च पेपर फाइनलाइज करने हैं ना, दोस शुड बी सम सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। उसमें आपको फायदा क्या क्या है कि यू विल नीड टू सी, इट विल डिस्क्राइब इट्स मेथड, तो आपको मेथडोलॉजी पता चल जाएगी कि काम कैसे हुआ हुआ है, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर रिजल्ट्स क्या लिए गए, व्हाट कंपैरेटिव ग्राफ्स एंड टेबल्स हैव बीन मेड, एंड बेस्ड ऑन व्हाट परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स, हाउ यू हैव और द ऑथर्स हैव सिलेक्टेड सम क्राइटेरिया व्हिच कैन एडजज द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज हर रिजल्ट्स ओवर द रिजल्ट्स ऑफ समबडीज एल्स वर्क, राइट? सो वंस यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स, दिस सॉल्व्स 90% ऑफ योर प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज हाउ यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन योर थीसिस। इफ आई स्विच ऑफ दी ऑडियो, तो ऑडियो उधर जाएगी ना, सिर्फ यहाँ से आने वाली ऑडियो बंद हो जाएगी। लेट मी, ये मैसेज किसके आ रहे हैं, चलें थोड़ा सा हम बर्दाश्त करते हैं इसको। तो ये दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर्स, ठीक है? सो एवरीबडी हैज टू डू दिस एंड ब्रिंग समथिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ये तो आपकी एक चीज आ गई। मैं अब आपको सिर्फ यहाँ पे लिंक जो नेक्स्ट चीज करूंगा बिफोर वी क्लोज ऑफ टुडे सेशन इज द TH1 एंड TH2 बाइफर्केशन एंड देयर क्राइटेरिया व्हिच इज यूज्ड बाय वेरियस कमेटीज एंड बॉडी टू जज दोज थिंग्स व्हिच यू हैव डन। तो इसमें हम पहले शुरू करते हैं कि जी, हाउ मेनी पोर्शंस आर ऑफ थीसिस। अगर ओवरऑल हम मास्टर्स की बात करें, तो मास्टर्स के अंदर देर आर 30 क्रेडिट आवर्स विच यू नीड टू कंप्लीट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू गेट यू अ डिग्री ऑफ मास्टर्स। ऐसे ही आउट ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स हाउ मेनी आर द कोर्स वर्क क्रेडिट आवर्स? 24। 24। 24 भी मींस हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू स्टडी? सिक्स वाला कौन है? अदनान कह रहा है, सॉरी मनान सज्जाद, मियां साहब। देर आर इनफैक्ट 8 सब्जेक्ट्स विच यू डू। मैं थोड़ा सा इस कंप्यूटर के करीब रहता हूँ ताकि आवाज वहां भी जाती रहे। बहरहाल बोर्ड पे मैं लिखूंगा, और आप ये कर सकते हैं कि क्लास के जो CR है वो पिक्चर लेके वो इसको ग्रुप पे डाल दें। समर का नंबर आई होप एवरीबॉडी हैज नोटेड, टू आई एम इरेजिंग इट, ठीक है? ओके, सो जिस तरह मैंने बात की कि जी, जब आपने थीसिस करना है, तो थीसिस करने के लिए आपने मास्टर्स करना है डेफिनेटली, और मास्टर्स के अंदर जो आपके पास क्रेडिट आवर्स हैं वो 30 क्रेडिट आवर्स होते हैं टू गेट अ डिग्री। आउट ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स 24 क्रेडिट आवर्स आर फॉर द कोर्स वर्क, एंड रिमेनिंग हाउ मेनी क्रेडिट आवर्स? 6 क्रेडिट आवर्स आर लेफ्ट व्हिच यू डू फॉर थीसिस। Up now there are few students who do not do thesis formally. So what they do, they study 2 subjects in lieu of thesis. So they, in lieu of thesis, 2 subjects, total 10 subjects पढ़ते हैं। हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपने although इसका ये मतलब कर रही नहीं कि आप थीसिस करेंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो थीसिस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ठीक है रम? तो वो जो नॉन थीसिस वाले हैं, स्टिल उन्होंने कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सब्जेक्ट आपको तैयार करेगा फॉर थीसिस फेस। थीसिस के 6 क्राइटेरिया के अंदर अगर हम जाते हैं डिटेल में, तो उसके अंदर 2 पोर्शंस होते हैं। हर यूनिवर्सिटी 2 पोर्शंस करती है। एवरी यूनिवर्सिटी डिवाइड द थीसिस इनटू 2 फेजेस, 2 स्टेजेस व्हिच आर सिक्वेंशियली डन। द फर्स्ट स्टेज इज मेकिंग अ प्रपोजल, डिफेंडिंग अ प्रपोजल, दैट इज फर्स्ट स्टेज, एंड वी कॉल इट एज TH1। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल कॉल इट थीसिस 1, thesis 1, right? Should I raise the top?